बैठेंगे और अपनी बात कैसे कर रहे हैं उसके साथ मैं टाइम लेता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ये G20 का और देखेंगे वो टाइम कैसा, लेकिन वो ज्यादा जरूरी एक ये एक एक चीज है। अच्छा एक ही है बस कि हम जाएंगे रैना साहब के साथ और हम अपने एक पहलू उसमें खाली हम नहीं रहेंगे, आम पब्लिक भी रहेगा उसमें। यहाँ संगठन में यहाँ पर तो हम नहीं जा सकते, बाकी तो हम बुला नहीं सकते, हम कोशिश ईज होने तो, लेकिन एक बार हम कार्यकर्ता पब्लिक नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं की बात करता हूँ, हम एक बार अपने रैना साहब से बात करके हम हमारे पास अभी जितने भी हमारे माइग्रेंट कैंप हैं, चाहे जगती है, नगरोटा है, पुरखू है और मुठी है, यहाँ के कुछ लोग हमारे पास आए हैं। सबसे बड़ी बात है इनकी कि सरकार ने पहले इनको फ्री कैंप में हर एक चीज़ फ्री किया था, उसमें उनके रहने की जगह, उनके उनके खाने की व्यवस्था की थी, पानी की, बिजली की सारी व्यवस्था की थी, ये आज से 32 साल से पहले। लेकिन आज 32-33 साल के बाद सरकार कह रही है जी आपको इसका बिजली का फीस देना पड़ेगा। ये लोग तो खुद सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इनको तो 108 रुपये पर दिन मिलता है, जो इनको सब्जी दवाइयाँ बाकी चीज़ लाते हैं 108 रुपये पर डे मिलता है, ये बिजली फीस कहाँ से दे देंगे। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसी में इनका जो बिजली फीस भी ऐड कर दीजिए, जैसे इनको रिलीफ मिलता है उसी कैटेगरी में इनको ये बिजली फीस भी ऐड कर दीजिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनको आप पे कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात है जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उसको ये पे करना पड़ेगा। इन लोगों को ये इनके उतनी व्यवस्था है नहीं कि ये पे करेंगे, ये रिफ्यूजी है, सवेरे खाना मिलता है, शाम को खाना नहीं मिलता है, 108 रुपये इनको पर डे मिलते हैं, 108 रुपये में चाय लाएंगे, खाना लाएंगे, क्या करें, बच्चों को पालेंगे, बिजली फीस दे देंगे कि बच्चों का स्कूल का फीस दे देंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बिजली फीस इनको आप बोल रहे हैं दे देने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलता है, वो रिलीफ कमिश्नर ही अपने हेड से इसको दे दे ताकि इनको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। हम भी अपने संगठन के पास ये बात रखने जा रहे हैं, लेकिन मैं जितने माइग्रेंट कैंप हैं उन सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, आप भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दीजिए इसको ख़त्म करिए, ये क्लॉज नहीं होना चाहिए इन पर।